घर से निकलते हम लोग पूरा दस दस गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। कुछ दूर चलते मत समझो हमने भुला दिया। हाय अल्लाह, आईसीसी इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है एक एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। अब इनको रोकना होगा। लगता है ये पागल हो गया। देखिए यहाँ पर एक तरफ वर्ल्ड कप खिलाड़ी के हाथ में है और दूसरी तरफ जश्न का माहौल, लेकिन रेंग रेंग कर। ओके। इंडिया में मशहूर है कि दो चीजों को जना वो पूजा जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है, एक क्रिकेट और बस धीरे धीरे करके बढ़ रही है। मेरे को लगता है कि माहौल ऐसा बना हुआ है, मेरे को लगता है कि हमें भी वहाँ ही होना चाहिए था। क्योंकि देखिए यही नज़ारा होता है जब आपकी टीम चैंपियन बनकर आती है। और रोहित शर्मा ने ये लोगों को देख के ट्रॉफी को ये उठाया भाई साहब, और जो वो पूरा इनकी जहाँ जितने लोग मौजूद थे ना, उन्होंने क्लैपिंग की, शोर मचाया, हिटमैन किंग की आवाजें जो वो गूंजती हुई नजर आई है। ठीक है, यही बात थी कि वो जीते हैं, उनका हक है, अच्छी क्रिकेट खेली थी और हम जश्न मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसा माहौल ही अधमुआ सा माहौल है पाकिस्तान में, तो ना कोई ऐसी माहौल है। मैं कहता सड़कों के ऊपर इस तरह पूरा 140 करोड़ आवाम जो है ना वो इंडिया की सड़कें भरी हुई थी, पूरा इंडिया जो है ना वो बाहर आया हुआ था। कैसे? और अगर देखा जाए तो एक साइड इंडिया की टीम जो है ट्रॉफी लेके आई है, उनका इतना हिस्टोरिकल जो है वेलकम किया जा रहा है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी तो छोड़े, जो इज्जत थोड़ी बहुत थी वो भी जो आप दे के आई है। उस बंदे ने ट्रॉफी जीत के वहीं पर झंडा गाड़ा और दिखाया जय शाह को कि भाई देखो ये मैंने ट्रॉफी जीती है और ये तुम्हारा रात रंगा, उसने वहीं पे ऐसे करके गाड़ के उसको दिखा दिया। जो इंडियन फैंस पे जज्बा था वो अभी तक कम नहीं हो रहा है और जश्न अब लग रहा है कि शुरू होगा। और जितने भी लोग है यहाँ पे इनको देख रहे हैं या मिल रहे हैं, तो इनके लिए भी एक मेमोरीज है। हाँ तो भाई साहब, हमारी टीम पहुंच गई है फाइनली हमारे देश में और उनका क्या वेलकम हुआ है यार, क्या भीड़ उमड़ी थी, मेरा तो दिल मतलब गदगद हो गया, आंखों में खुशी के आंसू आ गए और रोम रोम खड़ा हो गया। आप बोलते हो ना कि फिजा को देखकर आपका कायदे आजम खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। और यार भारत में इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो, इतनी खुशियां छाई हुई हो और दूसरी तरफ इन पोरियों की जले नहीं, यार कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में बर्नोल की कमी आ गई है, बर्नोल खत्म हो गया है। वाह भाई वाह। तो बिना देर किए हुए चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है जी, के वेलकम के ऊपर इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप विन करने के बाद दोबारा से 140 करोड़ आवाम से वार्मली वेलकम रिसीव करने के लिए, अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड कप निहायत ही अनोखा रहा। इंडिया की जो इस तरह से विक्ट्री, हर टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे से खेला। अब जो 140 करोड़ आवाम जो है टीम का वेलकम करने के लिए आई हुई है, सिक्योरिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा बंदोबस्त कर लिया गया है। क्या कहेंगे, 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन वर्ल्ड कप की जो खुशी है वो ख़त्म होने का इंडिया में नाम ही नहीं ले रही। यकीनन खत्म होनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह का उन लोगों ने झंडा गाड़ा है ना बारबाडोस के अंदर, मैं कहता हूं उनका वार्म वेलकम ही होना चाहिए। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता ना, यकीन कर ले मैं अपने 17 सारे थंडर त्यारे जो है ना वो भेजता उनके वेलकम के लिए, कि भाई उनको जो है ना जैसे ही फजाई हदूद में, इंडिया की फजाई हदूद में दाखिल हो, वहां से जो है ना वो गोले बारूद शुरू होने चाहिए। भाई इतना वेलकम करो, यकीन कर ले कि ट्रॉफी जीत के आए, जंग जीत के नहीं आए। नहीं, ट्रॉफी जीत के ऑब्वियसली बात है, खुशी तो देखें भाई, ये इंडियन टीम वही इंडियन टीम है जो हर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख ले, वहां पे फाइनल के अंदर जाती है, वहां पे खेलती है, वहां पे हार जाती है, ओडीआई वर्ल्ड कप में जाती है, वहां से हार जाती है, 2021 में पाकिस्तान से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना भी बाहर हो जाते हैं। मतलब वो इतनी स्ट्रगल कर रहे थे कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, तो उनके लिए बहुत ट्रॉफी जो है ना वो मैटर करती है, रोहित शर्मा के लिए खासतौर पर मैटर करती है, विराट कोहली के लिए मैटर करती है। भाई वो गेम के लेजेंड्स हैं, इन्होंने गेम को बनाया है, तो उनका इतना वेलकम तो डिजर्व करते हैं ना, उनका वेलकम तो बनता है ना। भाई जिस तरह के विराट कोहली रोहित शर्मा प्लेयर है ना, यकीन कर ले ये मैंने बहुत कम बात बोल दी है, इससे भी
ज्यादा वो लोग डिजर्व करते हैं। जय शाह ने सेक्रेटरी जय शाह ने ये कहा था कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद अब टीम इंडिया जो है ना वो बाबाडोज में जाकर तिरंगा लहराएगी, वहां पर तिरंगा गाड़ेगी, लेकिन रोहित शर्मा ने वो सच करके दिखाया। ठीक है, ये होती है डेडिकेशन किसी कंट्री के लिए, ये पैशन के साथ खेलने की ये होती है डेडिकेशन। उस बंदे ने ट्रॉफी जीत के वहीं पर झंडा गाड़ा और दिखाया जय शाह को कि भाई देखो ये मैंने ट्रॉफी जीती है और ये तुम्हारा रात रंगा, उसने वहीं पे ऐसे करके गाड़ के उसको दिखा दिया। तो वेलकम तो बनता है भाई, ग्रैंड वेलकम बनता है, और उन्होंने 140 करोड़ वाम को खुशियां दी हैं। यकीन करें कि लोग जो है ना वो बाहर अभी तक अपने घरों में जो है ना शाम को निकल आते हैं बाहर ट्रॉफी को एंजॉय करते जब तक उनकी टीम वापस नहीं आ रही। वो तो एक जो है ना वो तूफानी आफत की, एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया क्योंकि आवाम की खुशी जो है इतनी बड़ी है कि उन्होंने बड़े जो है ना स्पेशल तरीके से जो है खिलाड़ियों को वहां से निकालने का बंदोबस्त किया है क्योंकि आवाम जो है फूलों के हार और कहते ना अपनी इंडियन करेंसी, ढोल, मिठाइयां, पेड़े, दिवाली के पटाखे सब लेके आगे कि हमने विराट का वेलकम करना है, हमने रोहित शर्मा का वेलकम करना है क्योंकि टीम इंडिया जो है खाली हाथ वापस नहीं आई है बल्कि ट्रॉफी के साथ आई है। एग्जैक्टली जिस तरह वहां पे इंडिया में मशहूर है कि दो चीजों को जो है वो पूजा जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है, एक क्रिकेट है और दूसरा बॉलीवुड है। तो भाई उनके लिए जो है ना वो आज वो फाइनल जीत के आए, दुनिया की ट्रॉफी एक लेके आए हैं, तो व्हाई नॉट के वो फैंस जो है ना वो एयरपोर्ट से क्यों निकले बाहर। फैंस जो है ना वहाँ पे इस तरह क्रिकेट को लेते हैं ना, मैं कहता हूँ जिस तरह उनका वो कोई धर्म हो, जिस तरह का उनका कोई मजहब है, तो वो तो भाई मैं कहता हूँ उसके लिए मर मिटेंगे। देखा नहीं आपने कि जब भी फाइनल इंडिया जीता है तो वो लोग मैं कहता हूँ सड़कों के ऊपर इस तरह पूरा 140 करोड़ आवाम जो है ना वो इंडिया की सड़कें भरी हुई थी, पूरा इंडिया जो है ना वो बाहर आया हुआ था। तो भाई उनको वो डिजर्व करते हैं और वो लोग अपने सेलिब्रेट करने का हक रखते हैं, वो चाहे जिस तरीके से मर्जी सेलिब्रेट करें। मैं देख लें आप इधर से अंदाजा लगा लें कि लोग जो है ना वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो लोग अपने जो है हीरोज़ के साथ लव करते हैं और हीरोज़ भी रिटर्न में उनको जो है ना वो अपना प्यार जो वो लोग करते हैं उसके रिटर्न में भी उनको गिफ्ट दे देते हैं, लाइक जिस तरह भी उन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो अनफॉर्चुनेट था जो टीम इंडिया जो है ना वो पहले जीत नहीं रही थी, पहले लगातार हारती आ रही थी, लेकिन अब जो है ना फाइनल जीता है तो वो लोग इंजॉय करें, जिस तरह मर्जी सेलिब्रेट करते हैं उनका हक बनता है वो सेलिब्रेट। इंडियन टीम वापस आ चुकी है, बड़ा वार्मली इनको वेलकम किया जा रहा है, 140 करोड़ लोग बेसब्री से अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रॉफी देखने का इंतज़ार कर रहे थे जो कि इंडिया ने मुसलसल दिन रात की सख्त मेहनत रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर हासिल किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या बड़े बड़े प्लेयर्स हो, सब जो हैं इंडियन टीम को फूलों के हार पहना रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन वर्ल्ड कप की जो खुशी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैम ये खुशी जो है ये हमेशा चलेगी, मतलब जिस तरह हम जो है 2009 की खुशी अभी तक मनाती हैं कि हमारी टीम 2009 का वर्ल्ड कप जीती थी, ये इंडिया की टीम के लिए इतनी बड़ी खुशी है कि वो अनबीटेबल होते हुए रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, रोहित और विराट ने रिटायरमेंट भी तब ली जब उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी है। और मैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना कोई मतलब कि छोटी बात नहीं होती, और वो भी देखें अनबीटेबल होते हैं, किसी से नहीं हारी जो है, मतलब हर एक मैच जीती गई। और जिस तरह आपने बात की कि उनका इस्तकबाल के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब उनके वजीर आजम जो है उन्होंने रोहित शर्मा विराट से वीडियो कॉल पर बात की, उसके साथ साथ वो जो है उनको हार पहनाएंगे, तो भाई मैं समझता हूँ अभी भी ये इस्तकबाल कम है। उनके इस्तकबाल के लिए ऐसा कुछ एहतमाम करें कि भाई दुनिया हैरान हो जाए, ऐसा लग रहा है कि आज फिर वर्ल्ड कप है। तो भाई हमारी टीम ने जो हमें खुशियां दी है ये ट्रॉफी जीतकर, और मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी भी जीत कर लाए और हमारा सीना 56 इंच का हो जाए और इन पाकिस्तानियों की ऐसे ही सूझती रहे, जलती रहे। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई, और हाँ हमारी टीम के लिए ढेर सारा प्यार।